हड्डियों में दर्द, कब्ज, लीवर खराब, आंखों की रोशनी, खून की कमी को दूर करता है ये एक चीज। दोस्तों आज हम जिस फल के बारे में बात करने वाले हैं वह हमारे स्वास्थ्य और त्वचा में सुधार लाने के लिए एक बेहतरीन फल है। इसमें विटामिन ए, सी, नियासिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैरोटीन, प्राकृतिक फाइबर और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बीज और पत्तियों का भी औषधीय इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज में मैग्नीशियम, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विषाक्तता को दूर करने वाले प्रभाव भी नजर आते हैं। इसके जीवाणुरोधी बीज को भी आप निकाल कर खा सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस फल की बात कर रहे हैं उसका नाम है पपीता। दोस्तों पपीते के नियमित प्रयोग से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से। दोस्तों त्वचा के सेहत के लिए पपीते में कई तत्व उपलब्ध होते हैं। इसे खाने के अलावा इसका प्रयोग फेस पैक के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें रोम छिद्र खुलते हैं और मुहासे भी दूर होते हैं। इसमें मृत कोशिकाओं को हटाने का भी गुण होता है जिससे कि हमारे त्वचा में निखार आता है। दोस्तों पपीता में पाया जाने वाला लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन आदि तत्व कैंसर को दूर करने में काफी सहायक होते हैं। इसमें आइसोथियोसाइनेटस नाम का तत्व भी पाया जाता है जो कि कार्सिनोजेंस को नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों पपीते में मौजूद विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन ए और ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत रहते हैं। दोस्तों पपीते में विटामिन ए, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही नहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी खूब पाया जाता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का काम करता है। ये सभी तत्व मिलकर हृदय को तमाम खतरों से बचाने का काम करता है। दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, एंजाइम और विटामिन बालों की वृद्धि और विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। पपीते के पत्ते का अर्क कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पपीते का नियमित सेवन बालों के सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पपीता रक्तचाप को भी नियंत्रित करने का काम करता है। पपीता में मौजूद पोटेशियम हमारे शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करके रक्तचाप के स्तर को बनाए रखता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति यदि नियमित रूप से पपीते का सेवन करे तो उसे काफी लाभ मिलता है। दोस्तों ये पाचन तंत्र को भी सुधार करता है। पपीते में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला पपेन नामक एक एंजाइम पाचन क्रिया को उत्तेजित करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें घुलनशील फाइबर, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और फोलेट आदि कब्ज को रोकने और रिहांत कैंसर के खतरे को कम करता है। दोस्तों पपीते का उपयोग आप वजन कम करने के लिए भी कर सकते हैं। वजन कम करने वाले लोगों को पपीता से काफी लाभ मिल सकता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला पापेन एंजाइम पाचन में सुधार करके वजन कम करने में आसान कर देता है क्योंकि पपीता में कोलेस्ट्रॉल और वसा न के बराबर पाया जाता है जिससे कि वजन कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों गठिया जिसमें कि जोड़ों में दर्द होता है इसमें भी पपीते के फायदे नजर आते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम जैसे कि पापेन और चाइपोमेन संधिशोथ को काफी हद तक कम करने का काम करते हैं। पपीता सूजन में भी काफी लाभदायक होता है। दोस्तों ये आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आंखों की सेहत के लिए पपीता में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पपीता के फायदे। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।